हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द विकीमैन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे जेसीपी के बारे में टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। जेसीपी जो है वो एक इंग्लैंड की कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, वेस्ट हैंडलिंग रिलेटेड इक्विपमेंट मशीन बनाती है। जेसीपी लगभग 300 टाइप्स की मशीन बनाती है और इनकी एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका समेत इन 4 कॉन्टिनेंट पर करीब 22 फैक्ट्रीज है और जेसीपी के प्रोडक्ट दुनिया भर के 150 कंट्रीज में बिकते हैं। तो चलिए जानते हैं जेसीपी के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, जेसीपी यूरोप की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए है, जिसके प्लांट्स करीब 4 कॉन्टिनेंट में हैं अराउंड द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 2, बैकहोल लोडर जो खुदाई करने वाले इंडस्ट्री का नाम था, जो जेसीपी ने सन 1953 में यूज़ किया था और आज दुनिया भर में मैन्युफैक्चरर इस नाम का यूज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 3, जेसीपी ने अपनी पहली लोडल मशीन 1978 में लॉन्च की थी, जो जिसका वज़न कुल मिला के 11,090 किलो था। जेसीबी कंपनी ने एक ट्रैक्टर बनाया था जिसका नाम फास्ट ट्रैक था, जो कि दुनिया भर का पहला और इकलौता ऐसा हाई स्पीड ट्रैक्टर था जो कि 65 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से चल सकता था और उसमें और उनसे इस कारनामे के लिए कई अवार्ड भी जीते थे। जेसीबी को इतने सालों से कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें 15 क्वींस अवार्ड थे टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट अचीवमेंट के लिए। फैक्ट नंबर 6, सर एंथनी जो कि जेसीपी के फाउंडर के बेटे हैं, उनका जन्म भी उसी दिन हुआ था जिस दिन उनके पिता ने जेसीपी की स्थापना की थी। क्या आप ये बात जानते थे? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, जेसीपी के फाउंडर मिस्टर जेसीपी के पास 1948 में 6 एम्प्लॉयज़ थे और इन्हीं 6 एम्प्लॉयज़ ने यूरोप का सबसे पहला हाइड्रोलिक ट्रेलर बनाया था, जो कि उस समय कंपनी का फर्स्ट कमर्शियल हिट साबित हुआ था। फैक्ट नंबर 8, जेसीबी का पहला लोडर जो कि 1953 में रिलीज़ हुआ था, वो कंपनी का पहला ऐसा व्हीकल था जिसमें कि कंपनी का आइकॉनिक लोगो जेसीपी लिखा हुआ था। फैक्ट नंबर 9, जेसीपी अपनी जो भी एक मशीन बनाती है उसे अलग अलग तरह के 400 टेस्ट से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो मार्केट में अवेलेबल होती है। फैक्ट नंबर 10, जेसीबी के ऊपर कई सॉन्ग्स बन चुके हैं जिसमें से एक है द जेसीपी सॉन्ग, संग बाय द बैंड निजोलोपी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसे लगे जेसीपी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ और पाने के लिए।